वैसे तो हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं का वर्णन किया गया है, लेकिन पूजन सिर्फ गणेश, लक्ष्मी, शिव, दुर्गा, काली, विष्णु, साईं बाबा, हनुमान जी के जैसे कुछ ही देवी देवताओं की पूजा किया जाता है। और इन सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करने का महत्व भी अलग अलग और हर देवी देवता को अलग अलग तरह से पूजा आराधना से खुश भी किया जाता है। सभी देवी देवताओं में देवों के देव महादेव एक ऐसे देवता हैं जिन्हें किसी भी तरह से पूजन करके मनाया जा सकता है। इसलिए शिव जी के इस भोले अवतार को भोलेनाथ के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि भोलेनाथ जितने ही आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं उतनी ही जल्दी वो क्रोधित भी हो जाते हैं। जी हाँ, ये मान्यता है कि भोले बाबा की पूजा में ऐसी गलती होने पर वो बहुत जल्दी ही क्रोधित हो जाते हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि भोलेनाथ की पूजा करते समय क्या गलती नहीं करनी चाहिए। पहला, टूटे हुए चावल। हर पूजा में भगवान को रोली और चावल से सबसे पहले तिलक किया जाता है, लेकिन अगर आप कभी भोलेनाथ की तिलक करें तो चावल का ध्यान रखें। शिव जी की पूजा में कभी भी खंडित यानी कि टूटे हुए अक्षत चावल ना हो। दूसरा, शंख। हिंदू धर्म में भगवान की पूजा करने में ज्योत, घंटी, शंख, रामायण, गीता जैसे कई शास्त्रों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इनमें से अगर शंख को शिव जी की पूजा में रख दिया जाए तो वो गुस्सा हो जाते हैं। और बताया जाता है कि भोलेनाथ ने शंखचूड़ राक्षस का वध किया था, इसलिए शिव जी की पूजा में शंख नहीं रखना चाहिए। तीसरा, तुलसी। अक्सर आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म में हर घर में तुलसी का पौधा जरूर होता है, जिसे देवी के रूप में सुबह जल चढ़ाकर पूजा जाता है, लेकिन शिव जी की पूजा में तुलसी को कभी भी पास नहीं लाया जाता। और बताया जाता है कि शिव जी ने तुलसी के पति जालंधर का वध किया था, इसलिए उनकी पूजा में बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं। चौथा, केतकी का फूल। ऐसा माना जाता है कि ईश्वर पुष्प से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भोलेनाथ भी फूल से खुश हो जाते हैं, लेकिन केतकी के फूल से नहीं बल्कि गुड़हल के फूल का चढ़ाने से शिव जी अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। और बताया जाता है कि केतकी ने शिव जी से झूठ बोला था, जिसकी वजह से भोलेनाथ केतकी का फूल देखकर गुस्सा हो जाते हैं। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल की रिपोर्ट।